हमारे देश में जैसे ही शादी होती है तो तुरंत लोग कहने लगते हैं कि बच्चा कब होगा। हो सकता है कुछ लोग कुछ टाइम के बाद करना चाहते हों, तो उनके ऊपर आप प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि ऐसे हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, हमारे घर वाले भी होते हैं और कुछ आस पड़ोस के लोग भी होते हैं जो आपको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि आपको बच्चे करने हैं, वो आपको हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप अभी करना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको हो नहीं रहा है, ये भी अक्सर में बात होती है। तो कब प्रॉब्लम की बात है पहले हम उसी को जानेंगे, और क्या तरीके हैं जिनसे कि आप इजीली कंसीव कर सकते हैं अगर आपको कोई फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो किस तरीके से आप रिलेशन बनाएं, कब बनाएं, ठीक है, कैसे बनाएं, और ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आप इजीली कंसीव कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए, ये सबकी इच्छा होती है कि घर में बच्चा हो, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कम से कम जो बाहर वाले जो लोग हैं वो स्पेशली उस फीमेल के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि वो उनकी इच्छा है। अगर कोई दिक्कत है तो वो उनको हो रही है, आप लोगों को जो बाहर वाले हैं उनको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टेंशन लेते नहीं है, उनको एक्स्ट्रा टेंशन आप दे देते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, एक स्ट्रेस आप उनको देते हैं, तो ऐसा ना करें। और आप लोगों के साथ अगर कोई भी ऐसा कपल है जो इस चीज़ से जूझ रहा है तो इन लोगों की बातों के ऊपर आप ध्यान ना दें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइएगा। अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो यही कि कितनी बार करें। तो देखो, ये मेल और फीमेल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो यही कि फीमेल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फीमेल एकदम सही है और मेल जो है वो भी सही है। तो आपको कितनी बार करना चाहिए, तो देखिए जो हमारी आयुर्वेद है वो क्या कहती है कि अगर आप सर्दियों के टाइम में रिलेशन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कंसीव करना, तो उस टाइम में, मतलब जो नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी, फरवरी, ये महीने जो होते हैं, ठीक है, उस टाइम में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका जो स्पर्म का अकाउंट है वो भी अच्छा होता है, और मेल के अंदर स्पेशली जो शुक्र होता है, ठीक है, शुक्राणु जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे उस टाइम में होते हैं, उनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो सीमन है वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप कितनी बार कर सकते हैं, तो उस टाइम में अगर आप करते हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप डेली भी करते हैं तो भी आप कंसीव कर पाएंगे। लेकिन आइडियली अगर हम देखें तो अगर आप अल्टरनेट करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम में स्पर्म काउंट आपका काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अगर मेल में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम नहीं है तो ओके। दूसरा है कैसे करें, तो इसके लिए भी देखिए कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि पोजिशन होनी चाहिए, तो ये बात पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल साइंटिफिकली सही है कि कोई स्पेसिफिक पोजीशन होती है तभी होता है। मेन चीज क्या होती है कि जब फीमेल का, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, गर्भाशय बनाया है, ठीक है, ये वजाइना है, और ये यहाँ पे क्या है, ओवरीज हैं, और ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि अगर किसी भी फीमेल को अगर कोई भी यहाँ पे अगर इजैकुलेट करता है, मतलब जो मेल का जो स्पर्म है, अगर वो, ये क्या है, बच्चेदानी का मुंह है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अगर यहाँ तक स्पर्म पहुँच जाता है तो आप ये सोचिए कि वो तैरते हुए अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि स्पेसिफिक पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि जो एक मिशनरी जो पोजीशन होती है जिसमें फीमेल नीचे होती है मेल ऊपर होता है, तो वो एक बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, जिसमें क्या है कि डायरेक्टली जो स्पर्म है वो यहाँ पे इसके जो मुँह है बच्चेदानी का उसके पास छोड़ा जाता है। इससे हेल्प क्या होती है कि वो इजीली तैर के स्पर्म अंदर चला जाता है, और कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। इस तरीके से वो इजीली गर्भाशय में चला जाता है। समझ में आ रहा है, क्या कपल का ऑर्गेज्म साथ होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका कोई साइंटिफिक
प्रूफ नहीं है, लेकिन आप एक बात समझ सकते हैं कि जब मेल और फीमेल का दोनों का ऑर्गेजम, मतलब क्या है कि वो स्टेज जहाँ पे मेल अपना जो सीमेन है वो बॉडी से बाहर निकालता है और जो फीमेल है वो भी उस स्टेट में होती है कि उसको उस टाइम में मैक्सिमम जो एक पीक मिलती है किसकी, सुख की, उस स्टेज में होती है, मतलब मेल और फीमेल दोनों का ही जब लिक्विड निकलने वाला होता है, क्योंकि फीमेल में भी ऑर्गेजम के टाइम में क्या होता है, थोड़ा बहुत लिक्विड निकलता है, तो उस टाइम अगर दोनों का टाइमिंग मैच हो जाता है तो इसमें हेल्प मिलती है। ठीक है, कैसे हेल्प मिलती है उसको समझते हैं। जैसे कि मेल ने अपना जो सीमेन है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया, अब फीमेल के पास भी क्या है, कुछ यहाँ पे लिक्विड आ गया है। ठीक है, क्योंकि जो फीमेल की जो वजाइना है उसके चारों तरफ क्या है, मसल्स हैं, उनमें से भी कुछ क्या है, ग्लैंड्स हैं जो यहाँ से भी लिक्विड निकालती रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको तैर के जाने में आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, उस समय उनको बहुत ही हेल्प मिलती है क्योंकि उनको एक लुब्रिकेशन मिल जाता है जिससे क्या होता है ईजिली वो तैर के चले जाते हैं, कुछ उस बहाव के साथ भी चले जाते हैं। क्लियर है, तो ये भी एक चीज़ मैटर कर सकती है। तो इसमें आपका जो टाइमिंग है वो मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस लेवल पहले आप कम कीजिए, आप एक इस दबाव में ना रहिए कि सिर्फ आपको बच्चा करना है इसलिए आपको रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो शायद हो सकता है कि आपका टाइमिंग मैच नहीं करेगा, आप हमेशा ही दबाव में महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन से दिनों में करें। अब देखिए जो रिलेशन है वो कौन से दिनों में बनाना चाहिए, तो ये डिपेंड ज़्यादा करता है फीमेल के ऊपर कि फीमेल के वो कौन से दिन हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि फीमेल का जो कि फर्टाइल पीरियड में अगर आप करते हैं तो वो जो दिन है वो गोल्डन डेज समझे जाते हैं। ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि देखिए अगर जो अंडा है वो इससे बाहर आया ही नहीं है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, और अगर ये आ चुका है पहले ही, और क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो एक दिन की होती है, ठीक है, मतलब लगभग 24 आवर्स की होती है, तो उसके बाद ही मर जाता है जो अंडा है वो फीमेल का। तो इसलिए सही टाइम का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ, जैसे कोई फीमेल है तो मान लीजिए उसका 28 डेज में उसके जो पीरियड्स हैं वो दोबारा से आते हैं। ठीक है, मतलब 28 डेज का साइकिल है। तो इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि मान लीजिए जिस दिन पीरियड शुरू हुआ उस दिन डेट है 1। ठीक है, तो ये जो जिस दिन शुरुआत होती है वो पहला दिन काउंट होता है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि पीरियड्स खत्म हो गए हैं, ठीक है, मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो खत्म हो गई उसके बाद पहला दिन लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जिस दिन पीरियड्स की शुरुआत हुई है तो ये कौन सा दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, किसी किसी को और भी ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो हम इतना नॉर्मली मान के चल रहे कि ये आपके पीरियड्स हुए हैं। तो अब आपको काउंट कहाँ से करना है, यहीं से कि आपकी पीरियड्स की शुरुआत हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट जो आपका पीरियड आने वाला है नेक्स्ट मंथ वो कब आएगा, वो आएगा मान लीजिए आपका 28 को, अगर आपका 28 डेज का साइकिल है। तो देखिए बहुत सारे लोगों का जो ये पीरियड साइकिल है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी का 20 डेज का होता है, किसी का 22 डेज का होता है, किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 35 दिन का भी होता है, तो ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपको कितने दिन का साइकिल है, ठीक है, कितने दिन में रिपीट होता है जिसका मतलब है, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, तो आपको करना क्या है कि आपको ये पता है कि नेक्स्ट मंथ आपका लगभग इस तारीख को आपके पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे, तो मान लीजिए वो डेट है 28। ओके, अब आपको करना ये है कि यहाँ से काउंट कर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, मतलब 14 दिन पीछे से आपको काउंट करने हैं। आपको इतना तो पता हो ही जाता है कि कब आपके पीरियड्स रिपीट होते हैं, तो लगभग वहां से 14 डेज काउंट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो ओव्यूलेशन है, जो अंडा है जो कि ओवरीज में जाने वाला है, वो दिन होगा 14, मतलब इस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब यही है कि ओवरीज से निकल के अंडा आपके फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो दिन होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, किसी का
अलग अलग डेट्स होती हैं तो जिसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर समझें तो मान लीजिए किसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, हो सकता है कि आपकी काउंटिंग में थोड़ा बहुत हो गया हो, मिस्टेक हो जाती है थोड़ा बहुत, वैसे भी बिल्कुल फिक्स नहीं होता, किसी का थोड़ा आगे आ जाता है डेट का टाइमिंग जो है वो, या फिर किसी का पीछे चला जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 14 से आप क्या करेंगे, 3 दिन मान लीजिए पीछे ले लीजिए, ठीक है, और 3 दिन ही आप आगे ले लीजिए। तो मेनली ये जो दिन है ये आपके गोल्डन डेज होते हैं, ठीक है, ये जो दिन है ये 7 दिन की गोल्डन डेज होते हैं। और कोई थोड़ा बहुत जिसको बहुत ज़्यादा शंका है, नहीं पता है कि क्या हो सकता है, तो +2 और कर सकता है ये दिन, और पीछे और आगे भी आप ये ऐड कर सकते हो। तो कुल मिला के ये जो दिन हो गए आपके 10 से 11 दिन, ये आपका गोल्डन पीरियड है, ठीक है। इन दिनों में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब कंसीव करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि आपको इस दिन जो अंडा है वो रिलीज हो गया, अगर आपने पहले वाले दिन भी रिलेशन बनाए हैं तो स्पर्म वहाँ पे पड़े होंगे और आपका जो अंडा है फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसी दिन रिलेशन बनाए हैं तो भी हो जाएगा, अगर आपने 15 को बनाए हैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि अंडा एक दिन के लिए मतलब 24 आवर्स के लिए लगभग जिंदा रहता है, ओके। लेकिन जो स्पर्म है वो लगभग 72 घंटे के लिए जिंदा रह सकता है, 48 से 72 घंटे का टाइम होता है तो वो जिंदा रह सकता है, समझ में आया होगा। तो इन दिनों में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अब इनका पता नहीं होता तो थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में भी चेंजेज आते हैं, कि कुछ तो किट आती हैं ओवुलेशन किट, जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन डे कौन सा है, ठीक है। कुछ LH किट आती हैं कि आपका जो LH जो हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो बताता है कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है, उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं। कुछ आपकी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं कि आपका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही पतला हो जाता है, और आपका जो एब्डोमेन वाला एरिया है मतलब नीचे वाला जो एरिया है वो, उसमें हल्का सा दर्द भी होता है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, क्योंकि हमारे जो अंडे हैं मोस्टली वो लेफ्ट से एक बार निकलेंगे दूसरी बार राइट से, मतलब अल्टरनेटिवली निकलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है बेस्ट टाइम। तो देखो बेस्ट टाइम तो क्या हो सकता है कि जब आपका मन करे वो होता है, लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात ये है कि आयुर्वेद क्या कहता है, थोड़ा सा हम उसकी भी बात करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप 6 बजे से शाम 6 बजे से 10 बजे मतलब रात के टाइम में 6 से 10 के बीच में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आप सोचेंगे इसका क्या है, तो देखिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो कफ जो होता है, कफ जैसे वात पित्त कफ होता है, तो जब कफ का लेवल बढ़ता है, सर्दियों के टाइम में बढ़ता है हमें पता है, तो जब कफ का लेवल बढ़ता है तो उसके साथ ही जो आपका शुक्राणु है वो भी बहुत ज़्यादा वाइटल होता है, ये समझिए। तो आपके प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में अगर आप रिलेशन बनाते हैं, चाहे तो वो नाइट का टाइम हो या फिर वो मॉर्निंग का टाइम हो, और मेन चीज़ क्या है कि आपके पास भरपूर टाइम हो उस टाइम में बनाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक और बात आती है कि कुछ लोग जैसे कि यहाँ पे लेटना चाहिए कुछ टाइम के लिए या फिर नहीं चाहिए, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लेटना चाहिए, लेकिन साइंटिफिकली देखें तो 10 मिनट्स के अंदर जो स्पर्म है वो अपना रास्ता जो है वो तय कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको ज़्यादा और ज़्यादा टाइम के लिए ज़रूरत नहीं होती है लिक्विड को यहाँ पे रोक के रखने के लिए। तो कुछ लोग यहाँ पे पिलो यूज़ करते हैं, कि यहाँ पे पिलो लगा देते हैं जिससे कि वो लिक्विड जो है वो बाहर ना निकल सके, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहे। तो अगर आपको ऐसा करना है तो बस 10 मिनट 15 मिनट्स के लिए आप लेट सकते हैं, उसके बाद आप नॉर्मली खड़े हो सकते हैं। मतलब फीमेल की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल के जो हिप्स हैं उस एरिया में आप पिलो लगा सकते हैं कि थोड़ा सा वो जो भाग है वो ऊपर रहे और जो लिक्विड है वो निकले ना, ओके। तो ये 10 to 15 मिनट्स आप कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद मी एकता के नाम से ही अपना इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और बस एक लाइक कर दीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।